राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है, उससे अपराधी बेखौफ हो गए हैं, जिसका परिणाम है कि करौली की घटना हुई, राजगढ़ की घटना हुई, अब परसों रात को जोधपुर के अंदर एक जननायक स्वतंत्र सेनानी की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा फहरा करके, उसका मुंह हाथ बंद करके जिस प्रकार का दृश्य उत्पन्न किया, और उसके बाद जो उनका वीडियो हो रहा था उसके साथ मारपीट हुई, और मारपीट के बाद कई प्रकार के तांडव उत्पन्न हो गया, और अगले दिन प्रातःकाल जब नमाजी लोग नमाज पूरी करके बाहर निकले, हुजूम के बीच में जो वाहन आता गया उसे तोड़ते गए, जो मिलता गया उसे ठोकते गए, यहाँ तक पुलिस वालों से भी डंडा छीन करके पीटा गया, पत्रकार जो फोटो खींच रहे थे उनके जो है उस साथ मारपीट हुई, यहाँ तक यहाँ के विधायक के घर के बाहर भी तोड़ फोड़ और मारपीट हुई, वहाँ मोटरसाइकिल जला दी गई। इस प्रकार का तांडव राजस्थान में आज तक हमने नहीं देखा, जबकि वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। ऐसे स्थान पर मैं मुख्यमंत्री जी का जो आज स्टेटमेंट है उसकी भी निंदा करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा इसे तो छुटपुट घटना है जो मैंने रोक दिया। यानी इस प्रकार की घटना को छुटपुट घटना से अपराधियों के और जो दंगा करने वाले लोगों के हौसले बुलंद होते हैं उनको तुरंत रोका जाए। मुख्यमंत्री जी, ज़रा आप RSS और मोदी जी और BJP को गाली देने की तुलना में अपना गृह मंत्रालय आप ढंग से संभालो, लोगों को सुरक्षित रखो ताकि लोग सुरक्षा का अनुभव कर सकें। और इतने सारे त्योहारों के अंदर, बाकी तो कभी तुष्टीकरण यहाँ तक हो गया कि आप नमाज जो रोज़े रख रहे हैं उनके 24 घंटे आप लाइट पूरी उपलब्ध कराना से लेकर के नाना प्रकार के आप एक साइड का करते जा रहे हो। यह वोटों की राजनीति करना छोड़ो, अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करो, और लोगों का सुरक्षित जीवन जीने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया है वो अपने जो कर्तव्य का वाहन करो, नहीं तो ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जनता में तीव्रतम आक्रोश है और इसका आक्रोश आदमी और संयम से काम ले रहे हैं, क्यों भाईचारा राजस्थान की सेम रही है, लेकिन आज आपके आक्रमण्यता के कारण आज कानून का राज समाप्त हो गया है, इसलिए ये सारा दृश्य उपस्थित हुआ है। इसलिए हम सब आपसे अपील कर रहे हैं कि आप तुरंत अपराधियों को कठोरतम कार्रवाई करो ताकि इनके हौसले ख़त्म हों और आदमी जो जनता निर्दोष जनता है उसको अपना जीवन जीने का हक मिल सके। क्या है आज कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है जोधपुर की घटना को लेकर के। परसों रात्रि को ईद की पूर्व तैयारियों को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जालोरी गेट पर सजावट की जा रही थी। जालोरी गेट पर सजावट की गई वहां तक किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसी गेट के बाहर एक बालमुकुंद बिस्सा जी की शहीद हैं वो, उनकी मूर्ति लगी हुई और सर्किल बना हुआ है, उस मूर्ति और सर्किल पर भी इस्लामिक झंडा फहराया गया। और उस इस्लामिक झंडे को लगाने के लिए शहीद के मुखमंडल पर जो आंखें थी और मुंह था उसको काले टेप से चिपका करके बंद किया गया। तो शहीद के परिजनों द्वारा जो कि वहीं रहते हैं उन्होंने ये आपत्ति करी कि ये शहीद हैं, मूर्ति यहाँ लगी है, तो आप कृपया करके ये मूर्ति के ऊपर से झंडा हटा लीजिए, बाकी झंडा आप कहीं पर भी लगाएं। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के वो जो नमाजी जो सजावट का काम कर रहे थे उन्होंने कुछ और लोगों को बुलाया और बुला करके वहाँ इतना उत्पात मचाया, उन परिजनों को मारा। इसके साथ में जो आसपास की कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनके घरों में घुस करके उत्पात मचाया, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ की। और इसके बाद में रात्रि को जब बहुत ज़्यादा तनाव हो गया तो पूरा जोधपुर मंडल वहाँ इकट्ठा हुआ, और रात को पुलिस ने उस मंडल के इकट्ठे होने पर, चूँकि इस प्रकार की घटना हुई थी तो लोगों का इकट्ठा होना स्वाभाविक था, और ऐसे स्वाभाविक एकत्रीकरण पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया रात के 11 बजे। और लाठीचार्ज करते हुए 12 बजे तक ये तनाव रहा, 2 बजे तक तनाव रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना तनाव होते हुए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पता नहीं मुसलमानों के किस दबाव में है, मैं तो स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ, इतना दबाव देने के बावजूद भी, इतना तनाव होने के बावजूद भी उन्होंने ईद की परमिशन दी, नमाज की परमिशन उस स्थान पर दी, और देने के बाद 5-6 से 6-7 हज़ार लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद में पुलिस पर जिस तरह से मारपीट की गई उनके द्वारा, जिस तरह से तनाव किया गया, जिस तरह से उद्दंड मचाया गया, वो हम सब के सामने है। तो ये
अशोक गहलोत जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण से ये लगातार तनाव बढ़ रहा है। ना केवल तनाव बढ़ रहा है बल्कि शांति व्यवस्था भी चौपट हो रही है। तो इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, ऐसा लगता है कि औरंगजेब का शासन वापस आ गया, जब मुस्लिम लोग जो है हिंदुओं पर, हिंदुओं की बहन बेटियों पर इस तरह से अत्याचार करते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र सभी धर्मों को, सभी धर्मावलंबियों एक साथ जीने का, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप इकट्ठा होकर के किसी समुदाय विशेष पर इस तरह से हमला करेंगे। तो इस बात की निंदा करते हैं और राज्यपाल महोदय को इस माध्यम से हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया। आज जो कल जोधपुर की घटना हुई, उससे पहले और भी प्रदेश में कई घटना हो चुकी, अलवर की हो या और भी हो, लेकिन जोधपुर की घटना कल ताज़ा ताज़ा है। जब भी ऐसा कोई सांस्कृतिक अपने सांप्रदायिक कोई काम होता है, संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ होता है, उस वक्त तो ये सरकार आंखें बंद कर लेती है। और जब हिंदू धर्म के कोई भी कार्यक्रम होते हैं, उस वक्त सरकार नाना प्रकार के प्रताड़ित करने के लिए कई कार्यक्रम इस तरह चलाए जाते हैं। जैसे अभी आपने पिछले समय देखा होगा कि जो हिंदू धर्म के झंडे थे सब जगह से खोल लिए गए, जितने भी बैनर थे सब हटा दिए गए। और जब कल इस प्रकार की घटना थी, अंदेशा था, CID इनपुट था, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया और इतनी बर्बरता से इतनी मारपीट हुई। अगर ध्यान दे देते तो केस भी दर्ज करने में आज लापरवाही की जा रही है। 250 लोगों को, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा, जबकि अखबारों में फोटो आई है और वीडियो भी जाहिर हुए। तो इस तरह की जो ये सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार, इस तरह का जो कार्य कर रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आज यहाँ अजमेर के बैनर तले यहाँ ज्ञापन देना है जिला कलेक्टर को, राज्यपाल के नाम पे। और हमने मांग करी है कि ऐसी सरकार की निष्पक्षता खत्म करी जाए और इस सरकार को बर्खास्त करा जाए, क्योंकि ये पूरे राज्य में एक समय ऐसा आएगा जब पूरा ऐसा आंदोलन खड़ा होगा और इसमें पूरी अशांति फैल जाएगी। उसको आने वाले समय को देखते हुए इस राज्य सरकार को बर्खास्त करने की हमने मांग करी है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है।